चमोली से खबर है जहां पर कई स्लाइडिंग जोन विकसित हो गए हैं। कमेडा, चटपीपल, पीपल कोटी, जोगीधारा, तंगड़ी, पाताल गंगा में स्लाइडिंग जोन निकलकर सामने आए हैं। इसके साथ साथ बलूड़ा पुल, हनुमान चट्टी में भी स्लाइडिंग जोन देखने को मिल रहे हैं। स्लाइडिंग जोन से मुसीबत का सबब यहां पर बना हुआ नजर आ रहा है। लैंडस्लाइड से कई घंटे हाईवेज बाधित हो रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार जो पर्यटक हैं वो रुक कर रहे हैं, साथ ही श्रद्धालु भी चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में स्लाइडिंग जोन विकसित होने की वजह से खतरा काफी बढ़ गया है। हाईवे पर अलग अलग इलाके जहां पर स्लाइडिंग जोन विकसित होने की वजह से मुसीबतें बढ़ गई हैं। कबेड़ा, आपको बता दें कि चट पीपल, पीपल कोटी, जोगीधारा, टंगड़ी, पाताल गंगा में स्लाइडिंग जोन, इसके साथ साथ हनुमान चट्टी में भी स्लाइडिंग जोन है। तस्वीर आपके सामने जहां पर किस तरह से देखिए, अचानक लैंडस्लाइड होने की वजह से कई घंटे हाईवे बाधित रहा है। चमोली में भयानक लैंडस्लाइड, पाताल गंगा के पास भारी भूस्खलन, ये वीडियो खौफ पैदा करने वाला है। ये तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बंद। देखिए इन तस्वीरों को, कैसे मलबा पहाड़ से नीचे गिर रहा है। बड़ी बड़ी चट्टाने और मिट्टी नीचे गिर रही है। सब तरफ गुबार नजर आ रहा है। देखिए ये तस्वीरें किसी ने मोबाइल से रिकॉर्ड की हैं। इस इलाके में भारी बारिश के बाद से अब पहाड़ों का दरकना शुरू हो चुका है। कई इलाकों में बारिश तो रुक गई है, लेकिन पहाड़ों की मिट्टी खिसकने लगी है, जिसकी वजह से ऐसी लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब दूसरे कैमरे से देखिए, ये तस्वीरें लैंडस्लाइड वाली जगह से बेहद करीब से ली गई है। देखिए ये कितना भयानक मंजर है। देखते देखते लाखों टन मलबा पहाड़ से नीचे गिरने लगा। एक पल तो ऐसा लगा मानो पूरा का पूरा पहाड़ ही टूट जाएगा। लैंडस्लाइड में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन अगर कोई इसकी चपेट में आता तो जान बचना मुश्किल होता। देखिए इसकी रफ्तार कितनी तेज थी। चंद सेकंड के अंदर मानो यहाँ सब कुछ खत्म हो गया। मलबे की चपेट में आने वाले सैकड़ों पेड़ तिनके की तरह उड़ गए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पहाड़ों में बरसात के दिनों में कहीं भी कभी भी ऐसा हादसा हो सकता है, लिहाजा सावधान रहें। हाईवे बंद होने के बाद दोनों ओर यात्री फंस गए हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर हैं, साथ ही बीआरओ की टीम भी मलबा हटाने के काम में जुट गई है। लेकिन ये लैंडस्लाइड इतने बड़े पैमाने पर हुआ है कि रास्ता साफ करना आसान नहीं होगा। यात्रियों को आने जाने के लिए दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करना होगा। कल ही चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर ही लैंडस्लाइड की एक और तस्वीर सामने आई थी, और 24 घंटे के अंदर ही ये दूसरा बड़ा भूस्खलन हो गया। नितिन सेमवाल, न्यूज 18, चमोली। डूंगरपुर के आसपुर कस्बे में रोड पर अतिक्रमणकारियों को हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। संभागीय आयुक्त के निर्देश पर एसडीएम के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान व्यापारियों ने प्रशासन पर अतिक्रमण हटाने के मामले में भेदभाव के भी आरोप लगाए हैं। दरअसल आसपुर कस्बे में सभी मार्गों पर अतिक्रमण से यातायात व्यवस्था बदहाल हो गई थी और इसी को लेकर एक्शन लिया गया। इस दौरान आसपुर के परशुराम सर्किल पर टीम ने होटल पर लगे हुए बोर्ड को भी हटाया, एक पेट्रोल पंप पर लगे बोर्ड को भी नहीं हटाया और इसी पर माहौल गर्म हो गया। व्यापारियों ने अतिक्रमण हटाने में भेदभाव के आरोप लगाए। हंगामे को बढ़ता देख व्यापारियों को आश्वस्त किया गया कि कार्रवाई में कोई भी भेदभाव नहीं होगा। इसके बाद ही व्यापारियों से अब सहयोग की अपील लगातार प्रशासन कर रहा है। प्रशासन कहाँ से शुरुआत करता है, प्रशासन में डिपेंड करता है। व्यापार संघ ने अपने सभी व्यापारियों को कल 5 तक के लिए पाबंद किया था कि अपने सभी अतिक्रमण स्वयं हटाते हैं।
अन्यथा आज जो प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है। माननीय संभागीय आयुक्त महोदय ने हमको अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे, कलेक्टर डूंगरपुर द्वारा भी सिल्वा द्वारा निर्देशों के तहत हमने उदयपुर रोड को बिल्कुल साफ सुथरा करा दिया है। कोई एक आध दुकान जो अतिक्रमण बच गया उनको भी हम शीघ्र हटाने की कार्रवाई कर देंगे। सूबे की सरकार ने बुधवार को विधानसभा में अपना पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया। सरकार की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश किया और इस दौरान उन्होंने कई बड़ी परियोजना का भी ऐलान किया है। देखिए, उम्मीदों को मिला आधार, अपेक्षाओं का हुआ विस्तार, आकांक्षाओं को पहचान, जारी है सफलता का अभियान। देश के वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट विधानसभा में पेश कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ जब केंद्र के बजट से पहले किसी राज्य का बजट पेश किया गया। 4.90 लाख करोड़ रुपए के बजट में किसान, महिला, युवा, छात्र, बिजनेसमैन समेत हर वर्ग के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। बजट में प्रधानमंत्री मोदी की बताई चार जातियों, युवा, महिला, गरीब और किसानों के लिए कई घोषणाएं की गई। आधी आबादी की उन्नति के बगैर पूरे समाज के उत्थान की कल्पना बेमानी है, इसलिए भजनलाल सरकार ने आधी आबादी पर जमकर सौगातों की बारिश की। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए इलाज के लिए पैकेज, गर्भवती महिलाओं के लिए माँ वाउचर योजना, अब 15 लाख लखपति दीदी बनाई जाएंगी, 5 साल में 2 लाख नए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएंगे, इस साल 40,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएंगे, इन्हें 300 करोड़ रुपए का ऋण रियायती दर पर मिलेगा, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और पेइंग गेस्ट की सुविधा के लिए मदद, संभाग स्तर पर बालिका सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे, निर्भया स्क्वाड की 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के गठन की घोषणा, हर विधानसभा क्षेत्र में 5 नए आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण व आजीविका संवर्धन के लिए माननीय सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि इस हेतु शुरू की गई लखपति दीदी योजना के अंतर्गत इस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में बच्चियों एवं महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ अप्रिय घटना की रोकथाम हेतु गठित निर्भय स्क्वाड्स का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार करते हुए 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स का गठन किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण में इस वर्ष 250 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स का गठन किया जाएगा। ज्यादातर सियासी पार्टियां किसानों को छलने का मौका नहीं छोड़ती, लेकिन सूबे की भजनलाल सरकार ने किसानों के साथ गहरी प्रतिबद्धता दिखाई। राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन शुरू किया जाएगा। सभी जिलों में पानी बचाने और सिंचाई के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 31 मार्च 2024 तक लंबित बिजली कनेक्शन की पेंडिंग समाप्त करने के लिए 1,45,000 कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री पशुपालन विकास बोर्ड की घोषणा, 5 लाख नए किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज, इस साल 3,500 करोड़ के शॉर्ट टर्म लोन बांटे जाएंगे। समय पर फसली कर्ज चुकाने वाले किसानों को 2% ब्याज अनुदान मिलेगा। खेती विश्व में सबसे जोखिम भरा व्यवसाय है, क्योंकि फसल का भविष्य मानसून पर निर्भर है। हमारी सरकार किसान साथियों को इस विडंबना का लगातार सामना करने से बचाने के लिए कृत संकल्पित है। इस दृष्टि से मैं राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन प्रारंभ किए जाने की घोषणा करती हूँ। इस मिशन के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जिलों में सिंचाई व्यवस्था के साथ ही जल संचय की प्रणाली विकसित करने के लिए हमारे इस कार्यकाल में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। राजस्थान का जो पूर्ण बजट 2024 आज विधानसभा में पारित हुआ, उसमें किसानों के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए निर्धारित हुए, जिससे उसके आगे जो सिस्टम है उसका जीर्णोद्धार होगा। राजस्थान में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी इस बार बजट से ही तैयारियों में जुटी है, इसकी झलक बजट में भी देखने को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान।